कल शाम को न्यूज़ आई यतीन ने ब्रेक की कि ब्लॉक डील हो रही है अच्छा पहले बार जब ब्लॉक डील की बात हुई मैंने कहा कि यार गंगवाल फैमिली का तो लॉक ही नहीं तो ब्लॉक डील कहाँ से होगी कि फाउंडर के ब्लॉक डील फिर मैंने पढ़ा कि यतिन बोल रहे हैं कि भाटिया फैमिली बेच रही है इस बार हिस्सा ठीक है भाटिया फैमिली इस बार हिस्सा बेच रही है जो अब करंट प्रमोटर है तो भाई ऐसा है कि मार्केट चला है तो सब थोड़ा सा कैश इन करने की कोशिश करें स्टॉक डबल हुआ है पिछले एक साल में आज अगर ये स्टॉक गिरा तो ये आपके लिए एक मौका होगा आगे मैं बोल रहा हूं अगर आप एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है है मेरा व्यू कि ये स्टॉक डिजिट की तरफ जा रहा है क्योंकि ये स्टॉक अभी भी सस्ता है बहुत लोगों को ये नहीं होता लॉस मेकिंग कंपनी ऐसे ज़्यादा ट्रेड करती है तो प्रॉफिट कैश जनरेटिंग मशीन है इस समय ठीक है अगर तो ब्लॉक विंडो में ही निपट गई तब तो खैर आपको मिलेगा ही नहीं वैसे मतलब इतना बड़ा ब्लॉक है देखते हैं विंडो में होता है या आउटसाइड विंडो होता है उसका दो तीन कारण बताता हूँ एक तो भाटिया फैमिली पर एक साल का लॉक इन हो जाएगा क्योंकि वो करंट प्रमोटर है ठीक है गंगवाल फैमिली ऑलरेडी लॉक इन में है उनका टू सेवेंटी डेज़ का लॉक इन था उसमें से मेरे ख्याल से अब करीब साठ परसेंट देने हुए होंगे तो अभी भी उनका काफ़ी लॉक इन है तो अगले एटलीस्ट छः महीने के लिए अब यहाँ पर और कोई ब्लॉक नहीं आ रहा है तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी सप्लाई प्रेशर होगा नहीं यहाँ पर और नंबर तो आप रहे हैं ट्रैवल तो आप हम सब करते ही हैं हमने देखा ही है कि क्या इंडिगो की प्राइसिंग पावर है इस समय तो इसके लिए ये एक स्टॉक है जो मेरे रेडार पर है पहला बिग स्टॉक हो गया दूसरा बिग स्टॉक जो मैं लेकर चल रहा हूँ दो बिग स्टॉक्स उनमें ओ और गेल ओ पर जेफरीज की रिपोर्ट है थ्री नाइन्टी का टारगेट है उनका ओ पर ये मेरे ख्याल से पूरे के पूरे ऑयल बास्केट में ना या पूरे पी बास्केट में सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है ओ और अगर रिफॉर्म कंटिन्यू करें मार्केट के पास रिस्क क्या था आ, कि कहीं ऑयल पॉलिसी पे तो कोई फर्क नहीं आएगा ओ के लिए सबसे थोड़ा रिस्क क्या होता है कि कहीं ओएनजीसी एन जी को ये ना बोला जाए कि आप बर्डन शेयर करिए पिछले पाँच साल में सबसे बड़ा जो री रेटिंग रे फैक्टर था ओ एन को यही रहा था ना कि भाई वो फैक्टर नहीं करना पड़ रहा था उनको लेकिन जब विंडफॉल टैक्स लगा तो उस, उसके बाद उस रैली पंक्चर वो रैली बहुत शार्प तरीके से पंक्चर हुई थी ये मार्केट का ये रिस्क था कि कहीं इस पर कुछ और तो नहीं आएगा एटलीस्ट अब वो क्लियर हो गया विंडफॉल टैक्स है सबको पता है वैसे भी ओ एन जी सी केस में सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी फाइव डॉलर की रियलाइजेशन मिलती है वो सबको मार्केट को पता है तो इसके लिए ओ एन जी सी पॉजिटिव उसी उसमें गेल गेल पर भी एक पॉजिटिव है हालांकि गेल पर यू का व्यू जो है उसमें टारगेट इतना अग्रेसिव नहीं है कम्पेयर टू तो जो ऑलरेडी प्राइस है दो का टारगेट है यहाँ पर लेकिन गेल ये एक और स्टॉक है जो मेरे बिग स्टॉक में रेडार पर रहेगा इनमें काफ़ी कैपिक्स भी करना है गेल को इसके लिए और एक आखिरी जो मैं बिग स्टॉक लेकर चल रहा हूँ वो एक स्टॉक नहीं है वो एक सेक्टर है वो है एग्री सेक्टर मेरे ख्याल से इस पूरी मिनिस्ट्री में अगर एक मिनिस्टर जो नया चेहरा है और जिस पर मार्केट को शायद एक कॉन्फिडेंस आएगा वो है शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान जो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जिनका एम में रहा है वो अब कृषि मंत्री बने तो आप कृषि से रिलेटेड स्टॉक्स पर फोकस करें फर्टिलाइजर स्टॉक्स जैसे चंबल फर्टिलाइजर कोरोमंडल जैन इरीगेशन शक्ति पंप ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपको बेसिकली यहाँ पर फोकस करना है और ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सेक्टर हो सकता है यहाँ से एक सेक्टर टू तो फोकस ऑन वैसे भी बजट से पहले नॉर्मली एग्रीकल्चर स्टॉक्स में रैली आती है तो अगले पंद्रह मतलब मैं कहूँगा पंद्रह दिन से एक महीने के लिए अगर आपको एक स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो बनाना है वो होगा एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स का कल पहली कैबिनेट मीट में भी आपको क्लैरिटी आ रही है गांव गरीब किसान ये थ्रस्ट एरिया शायद हो सकते हैं एटलीस्ट शुरुआत में मोदी थ्री पॉइंट के कार्यकाल के रखिए भाई रडार पे पूरे एग्री सेक्टर किसी इंटरग्लोब एविएशन को गिरावट में फिर से मौके होंगे बेहतरीन आपके पास खरीदारी करने के ओ और गेल जिसको लेकर रह रहे के ब्रोकरेजेस के अपडेट्स आ रहे हैं सब बुलिश होते चले जा रहे हैं ओ अपने वैल्यूएशन पे गेल एक बड़ी टेलवेंट जो होप्स वैसे राइड कर रही है जीएसटी में गैस का इंक्लूजन वो एम की कॉन्फ्रेंस कॉल भी उस तरफ फायल इशारा कर रही थी देखते हैं कैसे समीकरण लेकिन ये है आज के बिग स्टॉक्स और सबसे इंटरेस्टिंग पॉकेट्स आपकी स्क्रीन पर लाइए भाई